हमने जो कहा था वो सच हो गया क्या? बाईसा ने सगाई छोड़कर पहले विवाह तो नहीं कर लिया? नहीं, विवाह नहीं किया और ना ही करेंगे। ये विवाह नहीं हो सकता। कई बचपन आए ये मीनाक्षी, बुद्धि भ्रष्ट हो गई आपकी। बचपना तो वो था भाबोसा, जो अब तक हम कर रहे थे। समझ तो अब आई है हमें, इस रिश्ते में भले हम बन जाएंगे परंतु कभी जुड़ नहीं पाएंगे। कि ध्रुव जी अपनी पहली पत्नी को भुला नहीं पाए। कहीं ध्रुव ने उन्हें हम दोनों के रिश्ते का सच तो नहीं बता दिया? और भुला नहीं पाएंगे। जब हमने आत्महत्या करने का प्रयास किया था तब आप ही ने हमें समझाया था भाभी सा। आप में जो तड़प हमने देखी है वही तड़प परदेसी अतिथि की आंखों में भी देखी भाई साहब, परंतु आपके लिए नहीं, उनकी पत्नी के लिए। भाई साहब, वो आपको अपने मन में अपने हृदय में वो स्थान नहीं दे पाएंगे जो मैंने अपनी पत्नी को दिया है। आप बिल्कुल सही थी भाभी साहब, काश हमने आपकी बात तभी मान ली होती। यदि ये चाहते तो हमसे विवाह करके वल्लभगढ़ के राजा बन सकते थे, परंतु झूठ की बुनियाद पर न राज्य चलते हैं न रिश्ते। इन्होंने अपना हृदय हमारे सामने खोल कर रख दिया। मैं शादी के लिए तो तैयार हूं, पर आप इतना जान लीजिए कि इस विवाह का कोई मतलब नहीं है। मैंने कोशिश की कि मैं सब कुछ भूल सकूं, नहीं हो पा रहा। मेरे दिल में आज भी मेरी पहली पत्नी है और हमेशा रहेगी। मीनाक्षी जी, देखिए जो विवाह होता है ना, वो सिर्फ दो इंसानों का मेल नहीं होता, दो आत्माओं का, तो दिलों का मेल भी होता है। इस रिश्ते में ना ही मेरा दिल होगा और ना ही आत्मा, सिर्फ एक जिंदा लाश की तरह आपके सामने एक शरीर होगा। नहीं आपको वो खुशी दे पाएगा और ना ही प्यार जिसकी आप हकदार हैं। भगवान को और इस अग्नि को साक्षी मानकर आपसे कह रहा हूं मीनाक्षी जी, हम इस रिश्ते को जन्म तो दे रहे हैं पर मैं जिंदगी कभी नहीं दे पाऊंगा। मैं आपको कभी भी प्यार नहीं कर पाऊंगा। हम इस रिश्ते को आपके दिल का दर्द और अपने मन का बोझ नहीं बना सकते। छोटे रिश्ते का दर्द टूटे रिश्ते से कहीं अधिक होता है। हमें लगा था हमारा प्रेम आपको आपकी पहली पत्नी को भुलाने में सफल रहेगा, परंतु हम गलत थे। आप अपनी पहली पत्नी से इतने जुड़े हैं, उनसे कभी अलग नहीं हो पाएंगे।
और इनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए हम अपनी इच्छा से इस विवाह से इनकार करते हैं। मीनाक्षी, ये सब मंथन आपको पहले ही करना चाहिए था। इनसे विवाह करने के लिए आपने अपनी नस काट ली थी, भूल गए आप? आपके विवाह की घोषणा कर चुके हम सबके सामने। राज परिवार के मान मर्यादा के बारे में सोचा आपने? हमने तो पहले ही कहा था कि ये व्यक्ति भरोसे के योग्य कोणी, इससे हमारे विश्वास और हमारी बहन को धोखा दिया है। ये पूरे राज परिवार का दोषी है। नहीं भाई साहब, ये इनका निर्णय नहीं है, ये हम दोनों का साझा निर्णय है। जिस वल्लभगढ़ से इसका रिश्ता था, उस राज्य का राजा बन जाता ये विवाह करके, फिर भी मना कर दिया और बाईसा को भी मना लिया कि वो भी इस रिश्ते के लिए मना कर दे। क्यों पता बना ये मारे समझ के परे कई कर रहे, ये दोनों नादान है, समझाइए इन्हें। हमें मीनाक्षी बाईसा और मित्र ध्रुव के साझा निर्णय का सम्मान करना चाहिए। रिश्ते भाग्य से बनते हैं, दबाव में आकर जबरदस्ती को नहीं। ये विवाह नहीं होगा प्रताप बना, इसे हमारी स्वीकृति और राजादेश दोनों समझा जाए। ये क्या किया आपने ध्रुव? सब कुछ भुलाकर आपके जीवन में आगे बढ़ने का स्वर्ण अवसर मिला था आपको, आपने उसे ठुकरा दिया। आज वो किया वो जरूरी भी था और सही भी, वरना जो अब मैं करने वाला हूं ना वो नहीं कर पाता। क्या करने वाले हैं आप? सच का सामना। कहीं ध्रुव सूर्य प्रताप सिंह जी को ये तो नहीं बताना चाहते कि वो तारू के पहले पति हैं? ध्रुव क्या हो गया है आपको? आप ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हमें रोका था सत्य कहने से, ताकि तारू के जीवन पर कोई आंच ना आए। अगर आपने आज ये सत्य बता दिया अनिष्ट हो जाएगा। सच छुपाने से जो होना है उसे हम टाल सकते हैं, लेकिन रोक नहीं सकते। सच जब खुद ब खुद बाहर आएगा तो मैं क्या करूंगा? हाँ, उस पर मेरा कोई बस नहीं रहेगा। तो मां, इसलिए मैं ये सच सबके सामने लाना चाहता हूं। इस सच पे सबसे पहला हक मित्र सूर्य प्रताप जी का है। माफ कर दीजिएगा मां। रूप नहीं, माफ कर दीजिएगा। महाराज से कुछ नहीं कहोगे? ध्रुव सुन रहे हो? तुम महाराज से कुछ नहीं कहोगे? तुमने जो करना था तुमने कर लिया, मैं वही करूंगा जो मेरा दिल कहेगा। ध्रुव, प्रताप जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं आपसे एक सच। बाबू साहब, हमसे घर मत जाइए। बाबू साहब, शौर्य बना, क्या हुआ? आप भयभीत क्यों हो गए?
आप कहाँ चले गए थे बाबा साहब? हमने सपना है क्या दूर जा रहे हमसे? डरने की कोई बात नहीं है, ये सपना तो कभी पूरा होगा ही नहीं। चाहे संसार इधर से उधर हो जाए, आपके बाबा साहब आपको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, और ना ही कभी कोई आपको आपके बाबा साहब से दूर कर पाएगा। सो जाइए। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, कुछ कहना चाहते थे? मैं आपसे माफी मांगने आया था। मीनाक्षी जी के साथ विवाह के लिए मना कर दिया ना मैंने। देखिए, मैं मीनाक्षी जी को धोखा नहीं दे सकता, और मैं जानता हूं, मेरा दिल जानता है कि मैं अभी भी अपनी पहली पत्नी से बहुत बहुत प्यार करता हूं। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। जानते हैं, केवल क्षमा मांगने नहीं गए थे तो शौर्य बढ़ा के बाबा साहब को सब सच बताना चाहते थे। मत करो, सब नष्ट हो जाएगा, सब कुछ। हमारी बात मानो, चाहे कितने भी प्रयास कर लो, नतीजे में केवल निराशा ही मिलेगी। ध्रुव और तारा एक कभी नहीं हो सकते। ध्रुव राधा और कृष्ण नहीं हो पाए, और यही भाग्य है। भाग्य समझकर आगे बढ़ने में ही समझदारी। भाग्य से जितना लड़ोगे, एक के बाद एक रिश्ते नष्ट होते जाएंगे, मान सम्मान सब कुछ नष्ट हो जाएगा। पहले भी सुन सकता हूं तारा, और तुम्हें पता है मेरे क्या कुछ है? मैं अब अपनी अपनी पूरी जान लगा दूंगा तारा। उसके बाद जो होगा ना, वो मेरी किस्मत। ध्रुव, ध्रुव हमारे किस्मत में हमारा मिलना लिखा नहीं होता तो तुम बार बार मुझे ऐसे क्यों बचाने आती? तारा, ये काना जी का इशारा है। वो नहीं चाहते कि हम ध्रुव तारा कभी भी अलग हो, इसलिए हम बार बार मिलते हैं। तारा, मैं अपने लिए इन परिस्थितियों से नहीं लड़ रहा हूं, तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं, हमारे लिए लड़ रहा हूं, ध्रुव तारा के लिए लड़ रहा हूं, इस रिश्ते के लिए लड़ रहा हूं, शादी के लिए लड़ रहा हूं, हमारे हमारे बच्चे के लिए लड़ रहा हूं। और तब तक लड़ूंगा तारा, जब
तक मैं जीतना चाहूं, पर तारा भले इस जीत का अंत मौत क्यों ना हो। रानी साहब, महाराज वो वस्तु गिरने वाली थी ध्रुव जी पर, हम उन्हें बचाने का प्रयास कर रहे थे महाराज। महाराज हम सच कह रहे हैं, आप प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। महाराज अनर्थ हो गया ध्रुव, महाराज को हमारे रिश्ते का सत्य पता चल गया। महाराज हम आपको सच बताने वाले थे। प्रताप जी तारा सिर्फ मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी। मानता हूं उससे हमारे इस रिश्ते का सच नहीं बदल जाता, पर हमारे मन में कब से ध्वंस चल रहा था, आपको क्या बताए कैसे बताए, परंतु हम आपको सच बता। सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर दीजिए रानी साहब, सरलता से, हाँ में या ना में। क्या आप हमसे प्रेम करती हैं? हमारी आंखों में देख कर कही है, क्या आप हमसे प्रेम करती हैं? आपसे ध्रुव ने विवाह तोड़ा है और उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं अभी प्रताप बड़ा कक्ष में। हमें बहुत चिंता हो रही है बाबू साहब, कहीं ये चर्चा विवाद में ना बदल जाए, हमें अंतर होना चाहिए। कौन ही जाएंगे आप? प्रताप बड़ा बात कर रहे हैं ना भीतर, अब आगे जो भी बात करेंगे वही करेंगे। आपको जो करना था और कहना था तो आप कर चुके और कह भी चुके हो, अब जो भी करेंगे प्रताप बड़ा करेंगे। क्या आप हमसे प्रेम करती हैं? क्या आप ध्रुव से प्रेम करती हैं? कुछ पूछ रहे हैं रानी साहब, क्या आप ध्रुव से प्रेम करती हैं? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.